गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 एंजाइम का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एंजाइमों की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं या एंजाइम द्वारा होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में कमी लाते हैं, चलो तो उसका आज अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम होते क्या हैं और क्या कार्य करते हैं। एंजाइम जीव कोशिकाओं में निर्मित होने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक प्रोटीन अणु होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात कह सकते हैं एंजाइम की उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है। अर्थात एंजाइम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने एंजाइम की परिभाषा के बारे में जाना था। मुख्य रूप से बात यह जानी थी कि एंजाइम की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, किंतु क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो एंजाइम द्वारा होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में कमी ला देते हैं, चलो तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइमों की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, चलो उनका अब हम अध्ययन करते हैं। अपना टॉपिक एंजाइमों की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे बहुत से कारक हैं जो एंजाइमों की क्रिया को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक एंजाइमों की क्रियाविधि को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर एक तापमान, नंबर दो एंजाइम निरोधक या एंजाइम संधमक, नंबर तीन एंजाइम की सांद्रता और नंबर चार क्रियाधारों की सांद्रता आदि। ऐसे निम्न कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं या एंजाइम द्वारा हो रही रासायनिक अभिक्रिया में कमी लाते हैं, चलो तो उनका अच्छे से अध्ययन करते हैं। एंजाइमों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से सबसे मुख्य कारक एंजाइम निरोधक या एंजाइम संधमक है, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम इन चारों का अच्छे से अध्ययन करेंगे, आप भी नोटबुक में इन्हें लगातार नोट करते रहें। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले एंजाइमों की क्रिया को प्रभावित करने वाले प्रथम कारक तापमान के बारे में। नंबर एक तापमान। एंजाइम मुख्य रूप से तापमान के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। अर्थात कोई भी एंजाइम की रासायनिक अभिक्रिया 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस अनुकूल तापमान पर आसानी से संपादित होती है। यदि तापमान की मात्रा को अत्यधिक कम या अत्यधिक बढ़ा दिया जाए, कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से कम या 25 से 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक उच्च मात्रा में या 50 डिग्री से अधिक कर दिया जाए, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होने लगती है। अर्थात एंजाइमों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। इसके विपरीत यदि अनुकूलतम तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में 10 डिग्री वृद्धि कर दी जाए, तो अभिक्रिया की दर तीव्र गति से 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। तो तापमान भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। चलो तो तापमान के बारे में लिखते हैं। तापमान एंजाइम तापमान के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील होते हैं। एंजाइमों की क्रिया के लिए अनुकूलतम तापमान 25 से लेकर
35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यदि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम या अधिक कर दिया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की दर में कमी आने लगती है। यदि अनुकूल तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में कमी या अधिकता कर दी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया प्रभावित होने लगती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर में कमी आने लगती है। इसके विपरीत यदि अनुकूल तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस में 10% तक वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर लगभग 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। आगे लिखते हैं, कमी आने लगती है यदि अनुकूल तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया की दर दो से ढाई गुना तक बढ़ जाती है। तो तापमान भी एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तापमान किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है। एंजाइम तापमान के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। एंजाइमों की क्रिया के लिए अनुकूलतम तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यदि अनुकूल तापमान की दर में कमी या बढ़ोतरी कर दी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी प्रभावित होने लगती है। यदि अनुकूलतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि कर दी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। इस प्रकार से तापमान रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम बात करते हैं नंबर 2 एंजाइम निरोधक या एंजाइम संधमक के बारे में। चलो तो अब बात करते हैं नंबर 2 एंजाइम निरोधक या एंजाइम संधमक। एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला दूसरा मुख्य कारक जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, एंजाइम निरोधक या एंजाइम संधमक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये एंजाइमों की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, बहुत ही मोस्ट है। चलो इसे अच्छे से समझने का कार्य करते हैं। हमें मालूम है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि एंजाइम उपस्थित होते हैं तो वो रासायनिक दर को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात रासायनिक दर को बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत
कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसे रासायन पदार्थ निर्मित हो जाते हैं जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यदि वे रासायनिक पदार्थ एंजाइमों की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं तो उन्हें एंजाइम निरोधक या एंजाइम संदमक कहते हैं, जैसे साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्जैलिक अम्ल। ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्मित होते हैं तथा एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं या एंजाइमों की क्रियाशीलता में कमी लाते हैं, तो इस कारण इन्हें निरोधक या संदमक कहा जाता है। ये प्राय जीवधारियों के लिए विष का कार्य भी करते हैं। इनकी उपस्थिति में जीवधारियों की मृत्यु तक हो जाती है। तो चलो क्या होते हैं एंजाइम संदमक, इसको अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं तथा किस प्रकार से कार्य करते हैं। चलो नोट करते हैं एंजाइम संदमक। कुछ रासायनिक पदार्थ एंजाइमों की क्रियाशीलता में कमी ला देते हैं। तो उन्हें एंजाइम संदमक या एंजाइम निरोधक कहते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया के दौरान निर्मित होते हैं। निर्मित होने के पश्चात वो एंजाइमों की क्रियाशीलता में कमी ला देते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर में कमी ला देते हैं। तो उन रासायनिक पदार्थों को हम एंजाइम निरोधक या संदमक कहते हैं। इसे किस प्रकार से नोट कर सकते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ एंजाइमों की क्रियाशीलता में कमी ला देते हैं तो उन्हें एंजाइम संदमक या एंजाइम निरोधक कहते हैं, जैसे साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्जैलिक अम्ल आदि। कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ऑक्जैलिक अम्ल आदि ऐसे रसायन पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, उसमें कमी ला देते हैं तथा ये जीवधारियों के लिए विष का कार्य भी करते हैं। इसे भी नोट कर लेते हैं, तथा ये निरोधक जीवधारियों के लिए विष का कार्य भी करते हैं। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ रासायनिक पदार्थ एंजाइमों की क्रियाशीलता में कमी ला देते हैं जिन्हें एंजाइम निरोधक या एंजाइम संदमक कहते हैं, जैसे साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्जैलिक अम्ल। ये निरोधक जीवधारियों के लिए विष का कार्य भी करते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को दर को प्रभावित करते हैं या कम करते हैं। अब बात करते हैं एंजाइम निरोधक के प्रकार। एंजाइम निरोधक
के प्रकार एंजाइम निरोधक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एंजाइम निरोधक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी संदमक, और नंबर दो अप्रतिस्पर्धी अप्रतिस्पर्धी संदमक। हम इसे कह भी सकते हैं प्रतियोगी संदमक, प्रतियोगी संदमक, और दूसरे को कह सकते हैं अप्रतियोगी संदमक। एंजाइम निरोधक या एंजाइम संदमक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी संदमक, नंबर दो अप्रतिस्पर्धी या अप्रतियोगी संदमक। चलो तो आप इन दोनों को अच्छे से समझते हैं, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो तो अब एंजाइम संदमक के दोनों प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। एंजाइम संदमक दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक प्रतियोगी संदमक और नंबर दो अप्रतियोगी संदमक। प्रतियोगी संदमक क्या होता है, चलो इसे देखते हैं। जब संदमक व क्रियाधार के अणुओं के मध्य, जब संदमक व क्रियाधार अणुओं के मध्य एंजाइमों के सक्रिय एंजाइमों के सक्रिय स्थलों से जुड़ने, सक्रिय स्थलों से जुड़ने के लिए प्रतियोगिता प्रतियोगिता होती है तो उसे प्रतियोगी संदमन कहते हैं, प्रतियोगी संदमक कहते हैं। एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जिस प्रतियोगी की सांद्रता एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जिस प्रतियोगी की सांद्रता अधिक होती है वह प्रतियोगी एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है, सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है।
प्रतियोगी संगमक क्या होते हैं? जब संगमक में क्रियाधार के अणुओं के मध्य एंजाइमों के सक्रिय स्थलों से जुड़ने के लिए प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो उसे प्रतियोगी संगमक कहते हैं। एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जिस प्रतियोगी की सांद्रता अधिक होती है वो ही प्रतियोगी एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जुड़ पाता है। जैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये हमने एंजाइम अणु की संरचना को बनाया, ये हो गया एंजाइम अणु। इसके विपरीत ये हो गया इंसेक्टिसाइड या संदमक। और ये हो गया क्रियाधार अणु। क्रियाधार अणु हम बात कर रहे हैं अब प्रतियोगी संगमन के बारे में। इसमें हमने बताया जब एंजाइमों के सक्रिय स्थल, एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए संगमक व क्रियाधार दोनों अणुओं का कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, और जिस अणु की सांद्रता अधिक होती है, जिस अणु की सांद्रता अधिक होती है वो ही अणु एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं, तो उसे हम एंजाइम संगमक कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमने एंजाइम की संरचना को बनाया, संगमक की संरचना को बनाया और क्रियाधार अणु की संरचना को बनाया। अब इन दोनों की सांद्रता, जिसकी सांद्रता अधिक होगी वो ही इस सक्रिय भाग से जुड़ पाएगा। अब ये दोनों कंपटीशन करते हैं एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए। चलो तो हम इसको जो संगमक होते हैं इसको मैं अलग से दर्शा देता हूँ, इस प्रकार से मैंने संगमक को दर्शाया। अब क्या होता है, यदि मान लो संगमक की सांद्रता ज़्यादा है तो क्या करेगा, संगमक उड़कर किससे जुड़ जाएगा, एंजाइम से जुड़ जाएगा। जब एंजाइम से जुड़ जाएगा तो किसका निर्माण होगा, एंजाइम संगमक कॉम्प्लेक्स या संकुल का निर्माण होगा। और यदि क्रियाधार अणु जुड़ जाएगा तो किसका निर्माण होगा, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होगा। लेकिन क्या होता है, अधिकांश संगमक की सांद्रता ज़्यादा होती है, संगमक की सांद्रता ज़्यादा होती है तो क्या होता है, संगमक अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम संगमक संकुल का निर्माण करता है, जिसके कारण उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है, अर्थात अभिक्रिया रुक जाती है। तो कैसे होता है, संगमक की सांद्रता मैंने ज़्यादा मानी तो क्या होगा, एंजाइम अणु से कौन सा भाग जुड़ जाएगा, एंजाइम अणु से संगमक अणु जुड़ जाएगा। जब एंजाइम अणु से संगमक अणु जुड़ जाएगा तो किसका निर्माण होगा, एंजाइम संगमक संकुल। किसका निर्माण हुआ, एंजाइम संगमक संकुल का निर्माण होगा। जब एंजाइम संगमक संकुल का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, कम होने के पश्चात उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को हम प्रतियोगी संगमन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, एंजाइम संगमक और क्रियाधार अणु, एंजाइम संगमक और क्रियाधार अणु के मध्य कंपटीशन होता है। संगमक के अणु और क्रियाधार के अणु, इनमें से जिसकी सांद्रता अधिक होती है वो ही अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ पाते हैं। जब मान लो संगमक की क्रियाशीलता ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है, तो संगमक एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम संगमक संकुल को बनाता है, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया रुक जाती है और उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है। इस प्रकार से ये प्रतियोगी संगमक कहलाता है। अब बात करते हैं नंबर दो, अप्रतियोगी संगमक, ये क्या होता है। इस क्रिया में
संदमक इस क्रिया में संदमक वह क्रियाधार अणु के मध्य कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। अप्रतियोगी संदमक में क्या देख रहे हैं, इस क्रिया में संदमक व क्रियाधार अणु के मध्य कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। संदमक अणु एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जुड़ने के बजाय एंजाइमों के अन्य स्थानों से जुड़कर रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देते हैं। तो उन्हें अप्रतियोगी संदमक कहते हैं। क्या होता है, इस क्रिया में संदमक व क्रियाधार अणु के मध्य कोई कंपटीशन नहीं होता है। संदमक के अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के पश्चात बजाय अन्य स्थान से जुड़ जाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार को अप्रतियोगी संदमक कहते हैं। क्या होता है, एंजाइम अणु, ठीक है, क्रियाधार अणु, ये तो हो गया एंजाइम, ये हो गया सबस्ट्रेट, क्रियाधार अणु, ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे। क्रियाधार अणु और एंजाइम तो दोनों आपस में जुड़ गए, लेकिन ये संदमक अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के बजाय कहाँ जुड़ जाएगा, एंजाइमों के अन्य स्थानों पर जुड़ जाएगा। जब अन्य स्थानों पर जुड़ जाएगा तो भी ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा, तो इसे अप्रतियोगी संदमक के रूप में जाना जाएगा। तो क्या हुआ, ये जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे, ये आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, आपस में जुड़कर ये एंजाइम क्रियाधार संकुल को बनाएंगे। एंजाइम क्रियाधार संकुल बन गया, अब क्या हो गया, जो संदमक था ये संदमक क्या करेगा, ये एंजाइम के किसी भी भाग से जुड़ जाएगा। एंजाइम के किसी भी भाग से जुड़ गया, जुड़ने के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है या समाप्त कर देता है, जिसके कारण उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है, तो उसे अप्रतियोगी संदमक कहते हैं। चलो तो दोबारा अच्छे समझ लेते हैं। एंजाइम संदमक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रतियोगी संदमक और नंबर दो अप्रतियोगी संदमक। प्रतियोगी संदमक क्या होता है, जब संदमक व क्रियाधार अणुओं के मध्य एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए प्रतियोगिता होती है तथा जिस अणु की सांद्रता अधिक होती है वही अणु एंजाइमों के सक्रिय स्थल से जुड़ पाते हैं। जैसे एंजाइम अणु के सक्रिय स्थल से संदमक की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण जुड़ जाता है, जिससे एंजाइम संदमक संकुल का निर्माण होता है। इस कारण रासायनिक अभिक्रिया रुक जाती है तथा कोई उत्पाद निर्मित नहीं हो पाता है। नंबर दो अप्रतियोगी संदमक, इस प्रकार की क्रिया में संदमक व क्रियाधार अणु के मध्य कोई कंपटीशन नहीं होता है। क्रियाधार अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है, लेकिन संदमक के अणु एंजाइमों के सक्रिय स्थल के जुड़ने के बजाय अन्य स्थानों पर जुड़ जाते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं।
रासायनिक दर अभिक्रिया की दर जब प्रभावित होती है तो उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई उत्पाद निर्मित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार इन दोनों संदमक प्रतियोगी को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अधिक बार पूछा जाता है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं नंबर 3 क्रियाधार की सांद्रता के बारे में। नंबर 3 क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करती है, चलो देखते हैं। जब क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि की जाती है, क्रियाधार की सांद्रता जब क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि की जाती है, सांद्रता में वृद्धि की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्रियाधार की सांद्रता जब क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, किंतु एक समय के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया की दर घटने लगती है या मंद पड़ जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाधारकों की सांद्रता तो बढ़ाई जाती है लेकिन एंजाइमों की सांद्रता तो स्थिर रहती है। कब तक रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी? जब तक ही रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ पाती है जब तक एंजाइम और क्रियाधार दोनों की सांद्रता समान होती है, लेकिन क्रियाधार की सांद्रता अधिक और एंजाइमों की सांद्रता में कमी आने लगती है तब रासायनिक अभिक्रिया की दर स्वतः कम हो जाती है। तो इस प्रकार से क्रियाधार की सांद्रता भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। जब क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, किंतु एक समय पश्चात अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। क्योंकि एंजाइमों की सांद्रता सीमित हो जाती है। जिससे रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है तो एंजाइमों की सांद्रता भी और क्रियाधारों की सांद्रता भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करती है। चलो अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 एंजाइमों की सांद्रता। एंजाइमों की सांद्रता में क्या होगा? जब एंजाइमों की सांद्रता में वृद्धि की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है, किंतु एक समय पश्चात रासायनिक अभिक्रिया की दर में कमी आने लगती है। क्यों कमी आती है? वो एंजाइमों की सांद्रता तो लगातार बढ़ाई जा रही है लेकिन क्रियाधारों की सांद्रता तो सीमित होती है। रासायनिक अभिक्रिया तब तक बढ़ती रहती है जब तक एंजाइम और क्रियाधार दोनों की सांद्रता में समानता होती है। जैसे ही क्रियाधारों की सांद्रता में कमी आने लगती है तो रासायनिक अभिक्रिया दर भी रुक जाती है। चलो इसे भी नोट कर लेते हैं। एंजाइमों की सांद्रता जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइमों
सांद्रता को बढ़ाया जाता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइमों की सांद्रता को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है किंतु एक समय पश्चात रासायनिक अभिक्रिया की दर रुक जाती है क्योंकि क्रियाधारों की सांद्रता में कमी आ जाती है तो इस प्रकार से एंजाइमों की सांद्रता भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। जब एंजाइमों की सांद्रता को लगातार बढ़ाया जाता है रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ने लगती है लेकिन एक समय पश्चात रासायनिक अभिक्रिया की दर सीमित हो जाती है क्योंकि क्रियाधारों की सांद्रता में कमी आती है। तो इस प्रकार से विभिन्न कारक कौन कौन से, तापमान, एंजाइम निरोधक, क्रियाधार की सांद्रता, एंजाइमों की सांद्रता, पीएच मान, सक्रिय स्थल आदि ऐसे कारक हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या एंजाइमों की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं एंजाइमों का नामकरण। चलो बात करते हैं एंजाइमों का नामकरण। एंजाइम को नामकरण किस प्रकार से किया जाता है और किस वैज्ञानिक ने एंजाइमों को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। एंजाइमों का नामकरण मुख्यतः आधारी पदार्थ या अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर किया जाता है। वैज्ञानिक ड्यूक्लाक्स के अनुसार एंजाइमों का नाम करते समय उसके अंत में एज प्रतीक को लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ IUB ने एंजाइमों को निम्न छह भागों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। कौन कौन से थे वो? नंबर एक हाइड्रोलेजेस, नंबर दो ऑक्सीडो रिडक्टेज, नंबर तीन ट्रांसफेरेजेस, नंबर चार आइसोमेरेज, नंबर पाँच लाइगेज और नंबर छः लाइगेजेज। तो ये निम्न छह भागों में एंजाइमों को वर्गीकृत किया गया। साथ ही प्रत्येक एंजाइमों का नामकरण करते समय उसके अंत में एज प्रतीक को लगाया गया। तो इस प्रकार से किसी भी एंजाइम का नामकरण उसके अंत में एज लगाने से पूर्ण हो जाता है। आज का वीडियो आपने अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लेकर नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।